ये एहसास नहीं कि लोग कम आए, ये अक्सर हमारे साथ होता रहता है, क्योंकि ये फाइन आर्ट, क्लासिकल म्यूजिक जो है, ये क्लासिकल कोई भी आर्ट है, ये जो गाएगा या इसको करेगा उसको हमारे जैसा दिल रखना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि इसको हर आदमी समझता है या हर आदमी को सुनने का शौक दिए, कभी भी नहीं हुआ। इकबाल का शेर मुझे यहाँ याद आता है, हुई ना आम जहाँ में कभी हुकूमत इश्क, सबब ये है कि मोहब्बत जमाना साज नहीं। ये इश्क वाले लोगों का काम और इश्क वाले इसे सुन सकते हैं। इश्क की हुकूमत नहीं हो सकती, सियासत झूठ होता है, पॉलिटिक्स झूठ है, उसकी हुकूमत है। इश्क सच बोलता है, वसूली चढ़ जाता है, लीडर खाक बनना है सच बोल के, गर्दन उतरवा ली, खाल खिंचवा ली। तो ये सच्चे लोगों का काम है, इसको ऐसे ही दिल रखने वाले लोग सुनते पसंद भी करते हैं। तो वैसे जो जिगर रखते हैं वही फिर आंख वाला तेरे जोवन का तमाशा देखे, दीदा एक कोर को क्या जानी है क्या हो गया, अंदर से अंधे हैं उनको क्या पता है ये क्या चीज है। हमें ये पता है कि ये फन जो बड़ा है, ये दो लोगों की ताकत से, पहली दरवेशों की ताकत, उसके बाद बादशाहों की। अब इस दुनिया में ना दरवेश नजर आते हैं ना बादशाह, तो बादशाह भी वो हैं जिनको तनख्वाह मिलती है, वो क्या बादशाह है? बादशाह तो वो होता था जी चाहे तो मुल्क उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, बादशाह तनख्वाह की इंतजार कर रहा है, ये कोई बादशाह ही नहीं। तो दरवेश वैसे गए हैं इस दुनिया से, तो इस दो लोगों ने इस फन को तरक्की दी है। गाने वाले दरवेश होते थे और उनको दुआएं दे के ऊंचा करने वाले भी दरवेश होते थे, बादशाह राजे नवाब महाराजे इसकी कदर करते थे। तो आ गया मामला अवाम में, अवाम हमेशा से उनको अपनी प्रॉब्लम से फुर्सत नहीं, कौन दरबारी दो घंटे बैठ के सुने, ये भी मुझे पता है। अवाम को तो प्रॉब्लम ने मारा हुआ है, रोटी कपड़े का फिक्र नहीं खत्म होता, तो चार घंटे मारवे को कौन दे। अब हमारे जैसे जो बेकार लोग हैं हमने पकड़ा हुआ है, सच्ची बात है। हम जो लोग हैं, हम एक बेकार कम्युनिटी है वर्ल्ड में, जिन्होंने इस काम को पकड़ा हुआ है, जो पता भी है कि इसको लोग कम जानते हैं, कम सुनते हैं, कम समझते हैं, लेकिन हम फिर समझाने की कोशिश किए जा रहे हैं। दिला करी जा पुकार यार मन्ने न मन्ने, एक फिक्रा पुराने बुजुर्गों का, पुकार किए जाना है, अगर दो आदमी तक भी पहुंच जाए तो हम समझेंगे बड़ा सवाब है। तो गालिब को किसी ने कहा कि आपके शेर तो 100 में 1 आदमी समझता है, कहने लगा मैं उस 100 में 1 के लिए लिखता हूँ जो 100 में 1 है, वो 99 जो नहीं समझते उनके लिए लिखता ही नहीं मैं। तो ये हमारे बुजुर्गों ने ये बातें कभी कभी हमारे तजर्बे में आ जाती है, कहते थे बेटे कूड़ की तारीफ से खुश ना होना, और बेसमझ अगर तुम्हारे पर तनकीद करे तो नाराज ना होना, उसको समझना। अगर समझदार आदमी कहेगा ना कि तुमने ये खराब करे तो उस पर गौर करना, और बेसमझ आदमी मुझे कह दे आप तानसेन तो मुझे इसका क्या खुशी है, उसको पता ही नहीं, वो तो रफी को भी तानसेन कहता है, मुझे भी कह देगा, जो भी सामने आए वही तानसेन है। तो इसलिए ये जो फन है हमारा, इस बहुत बारीक और बड़ा मुश्किल डीप फन है, इसको समझने के लिए टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। ना लोगों के पास अब इतना वक्त है, ना लोग दिमाग को इतना परेशान करना चाहते, तो लिहाजा हम लोग इसको ही लेके फिर रहे हैं। इसमें पैगाम है, एक पीस मोहब्बत का पैगाम, म्यूजिक नाम ही फीलिंग की जमा कर, अच्छी फीलिंग जमा करके उनको एक्सप्रेस करना थ्रू द रिदम एंड मेलोडी। इसका मतलब ये बस संगीत, संग मिलके अच्छे के गीत गाना, ये संगीत के लफ्जी माने, ये संगीत उसके गीत गाओ जो सबसे अच्छा है, और संग मिलके। तो हम ये संग मिले हुए हैं 3-4 आदमी, और आप भी समझे हमारे संग इस वक्त इस गाने में, ये संग मिलके हम अच्छे के गीत गाते हैं। तो एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि बहुत लोग सुनते हैं, अगर ना भी सुने तो कोई नहीं, तो हम तो अकेले 4-4 घंटे गाते रहते। तो ये समझेंगे कि आप के सामने मैं उसी संगीत का जो लफ्जी माना है उसको देखते हुए संग मिलके गीत गाते हैं मालिक। तो एक राग है, कहने को तो इतना कुछ है कि बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यही अच्छा कि हम कुछ नहीं कहते। और जो कहना है बजरिया संगीत, बजरिया सुर और लय कहना अच्छा है।
बड़ा अच्छा फिक्र याद आया मुझे, मैं मुल्तान में रियाज कर रहा था तो मेरी माँ एक दिन मुझे कहने लगी कि बेटा ये वो गाना तुम गा रहे हो, खुद ही गाया करोगे, खुद ही सुना करो। ये तो समझते नहीं लोग, वो गजलें बजलें याद को, वो माई थी ना बेचारी, थी तो बड़ी माई लेकिन वो हमारे फायदे की बात कर रही, इतनी जान मार रहे उसको तरस आया, मैं ताने मार रहा कि खून आ जाए, बाहर से भागी भागी आ गई, माँ का दिल हिल गया, तो तान भी मैं ऐसे ही फिर रहा था, छाती फट जाए, मैं रियाज कर रहा हूँ, तो अंदर आ गई, कहती बेटे ये क्या गाना गा रहे तुम, ये तो वो गाना खुद ही गाओगे खुद ही सुनोगे, और इतनी जान लड़ा रहे, गजलें बजलें गाओ पैसे कमाओ और अपना आराम करो, ये क्या 12 बजे आकर उसने मेरा हाथ से मंडल से पकड़ा, तो मेरी जान हिल रही है, तो तुम जो कर रहे हो तुम्हारा क्या शोर हो रहा, और काम ये होना तुमने अकेले गाना है तो कम लोगों ने सुनना है, तो यही सुनाने वाली बात, तो मुझे कभी कभी उनकी बात, मैंने कहा नहीं हमें ये हमारी ड्यूटी, हमें आप दुआ करें हमें ड्यूटी देने में, अल्लाह हमारा माफ़ है, जो सुनेंगे वो भी बहुत ऊँचे लोग होंगे, और जो नहीं सुनेंगे खुदा उनको तौफीक दे, हम उनसे भी नाराज़ नहीं, उनका कसूर नहीं, वो बेचारे जानते ही नहीं, एक आदमी को एक चीज का पता ही नहीं तो हम उससे गिला क्या करें, गिला तो उससे हो जो समझदार हो, ना आए फिर गिला है, एक आदमी रोटी के चक्कर में, डिनर के चक्कर में है, और क्लबों के चक्कर में, वो बेचारे कहाँ फंसे हमारे, ये वो काम है दरवेशों का, बादशाहों का, बुजुर्गों का, इसको इंशाल्लाह वक्त आएगा, हम खुदा के घर से ना उम्मीद नहीं है, लोग बहुत भी आएंगे लेकिन कब आएंगे ये मैं नहीं कह सकता, ऐसा वक्त आ रहा है ये मुझे नजर आता है जी, बहुत लोग सुनेंगे और इसी म्यूजिक को सुनेंगे जो हम सुनाना चाहते हैं, एक राग है जो मैं बहुत कम गाता हूँ, आज वो मेरे जहन में वही राग आया है, ये राग 500 का राग है, दो ठाट का मिलाप है, काफी ठाट और खमाश ठाट, दो ठाट का मिक्सचर है, गंधार दो लगती हैं, जाती दफा तीवर आती दफा कोमल, रिखव और पंचम का सुर इसमें नहीं लगता, राग का नाम है नंदेश्वरी, और ये बहुत कम गाया जाता है इंडिया पाकिस्तान में, बहुत जरा मुश्किल भी माना गया, तो मैं जब जरा कभी सैड हो जाऊं तो फिर मुश्किल राग गाता हूँ, ये मेरी आदत है, तो वो थोड़ा सा सैड हुआ हूँ, क्योंकि तो सैडनेस का फायदा ये है कि जब सैड हो जाऊं मैं अच्छा राग गाता हूँ, जब खुश हूँ तो ऐसे ऑर्डिनरी राग, बस मैं तो उन लोगों को कह रहा हूँ जिनके किस्मत में नहीं, आप तो हमारे साथ हैं, संगीत का मतलब संग मिलके गीत गा रहे हैं, आप तो अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, और उनको भी अल्लाह सलामत रखे जो नहीं सुनते, हम उनके भी दास हैं, हम तो वो लोग हैं जो फकीर सदा दें दवे उदा भी भला, जरा ना दवे उदा भी भला, ये काम तो ये है हमारा, लंपत ख्याल ताल दमार में, दुरत ख्याल और तराना तीन ताल में गाऊं, शराफत अली खान गाने में संगत कर रहे हैं, गुलाम अब्बास तबले पे, तारिफ दार साहब तानपुरे पे, फर्स्ट टाइम संगत कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह खुश रहे, देख सब इजाज़त सब लोगों से जाता, और हमारे मुल्क के बहुत बड़े फनकार हैं नहीं सिद्दीकी साहब हमारे सामने बैठे हैं, जो कि बहुत हमारे मुल्क का नाम किया है और इंशाल्लाह आगे भी नाम करेंगे, बहुत अच्छा कथक डांस के एक हमारे नुमाइंदा हैं ये मुल्क पाकिस्तान के, तो आज इन्होंने महफिल में आई हमारी बड़ी इज्जत खुदाई की, मैं इनका भी शुक्रिया करता हूँ आप सब लोगों का।